वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी मतलब संयोजक, ठीक है। चलिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सबका नाम किससे आते हैं, किस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया जाएगा कि आपको सोडियम का पूछेगा क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम कुछ कुछ हम एक वन आपको नाइन्थ और टेन में ज्यादा जरूरत नहीं, 1 to 25 हमें प्रिपरेशन करना है, जो कि करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। चलिए एक और मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। तो आप इस सब का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जानते होंगे, यानी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या क्या होता है। कार्बन का क्या होता है बाबू, कार्बन का 6 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। सोडियम का क्या होता है, 11 होता है। क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। चलिए तो सबका हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक जो 6 है ना, तो 6 का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। सोडियम का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s5, सॉरी 3s2 एंड 3p5, ठीक है। चलिए ये सब का हमने लिख लिया, ठीक है। चलिए अभी इन तीनों को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको भी रियज कर देते हैं। चलिए तो अब आप ध्यान से देखिए, हम आपको सेल के बारे में बताए थे। सेल क्या होते हैं, 1 2 3 4 सारे सेल होते हैं, गिनती की संख्या। यहाँ पर क्या है, 1 और 2 है इसमें, ठीक है। इसमें सेल कौन है, 1 और 2, इसमें क्या है, 1 2, इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है, इसमें भी क्या है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसके लास्ट सेल पर जाएंगे, इसके किस पर जाएंगे हम, लास्ट सेल पर, ठीक है। इसके लास्ट सेल कौन है, 2 है ना, ये दोनों को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लास्ट सेल 2 है ना, दोनों को, यहाँ पर भी लास्ट सेल क्या है, 3 है ना, तीनों को कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट सेल क्या है, 3 है ना, तीनों को कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और 2 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 और 4 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 है ना, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 और 2 क्या है, 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। तो जो 4, 6, 1 और 7 निकाले, ये क्या हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, किसी भी एलिमेंट के क्या, किसी भी एलिमेंट में लास्ट सेल में उपस्थित, लास्ट सेल में उपस्थित, लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट पर लास्ट सेल में उपस्थित, ठीक है। इसके लास्ट सेल में कितने हैं, तो 4, इसमें 6, इसमें 1, इसमें 7, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वैलेंसी के ऊपर।
तो बैलेंसिंग निकालने के लिए हमको एक नंबर याद रखना पड़ता है, वो नंबर क्या होता है, वो क्या नंबर याद रखना पड़ता है, एट। ठीक है, चलिए तो एट क्या हो जाएगा, तो बैलेंस यदि हम किसी भी एलिमेंट का निकालेंगे तो हमें क्या रखना पड़ेगा कि यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 4 को, यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो 1 2 4 हो, यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो 1 2 4 हो, फर्स्ट केस। और सेकंड केस क्या है, क्या आएगा यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 2 8 हो। ठीक है, चलिए तो यदि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 4 हो तब क्या होगा, यहां पर देखिए 1 2 4 इसमें कितने एग्जांपल है, एक ये है और एक है। ठीक है, तो जिसका भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 4 होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 4 वालों का वैलेंसी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब सोडियम का वैलेंसी भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और कार्बन का वैलेंसी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 2 8 है, तो यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 2 8 हो तो क्या हो जाएगा 8 माइनस, क्या हो जाएगा 8 माइनस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो इस तो 4 2 8 में कौन है, ये है ना, ये 7 है और ये क्या है, ये 6 है। ठीक है, चलिए तो इस पर हम ध्यान देते हैं, तो 4 2 8 में तो हम क्या कहें 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू 8 माइनस 7 मतलब क्या 1, इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 8 माइनस 7, इसका क्या हो जाएगा 8 माइनस, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी कैसा निकलता है। ठीक है, 2 4 5 एग्जांपल और हम देते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, और क्या नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक केमिकल परमाणु संख्या क्या होता है 1, इसका 7, इसका 12, इसका 30। ठीक है, इस सब का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p3, 3s5, 2s7 इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 इसका क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। ठीक है, चलिए तो हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालेंगे, उसको बाद में वैलेंस शीट, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम क्या बताएंगे कि लास्ट सेल में उपस्थित है, इसके लास्ट सेल का कुछ नहीं 1 है ना, इसके लास्ट सेल क्या है 2 है, इसके लास्ट सेल क्या है 3 है, इसके लास्ट सेल क्या 3 है। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 3 2 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 2, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के उसके बाद हम क्या निकालना है वैलेंस, तो वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या पता है, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 4 हो तो सेम हो जाएगा, तो 1 2 4 किसमें 1 इसका है, इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर सेकंड केस क्या था, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 2 8 है तो 4 2 8 इसका है 5 है ना, तब क्या हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 और क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, आई होप आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए